हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई और महाराष्ट्र की फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी रगड़ा पैटिस। रगड़ा पैटिस बनाने के लिए पहले हमने ये 250 ग्राम वाइट पीस लिया है, ड्राई वाला, जिसे हमने 7-8 घंटे के लिए भिगो के लिया है। आप इसे ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। ये पहले हम बॉईल करेंगे, उसके साथ में हमें नमक, ये बेकिंग सोडा है और हल्दी पाउडर ये लगेगा। तो पहले हम इसे बॉईल कर लेते हैं। ये हम कुकर में पहले पीस डालेंगे। जिसके साथ में हमें 2-3 कप पानी डालना है, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक, जो मैंने 1/2 टीस्पून दिया है। अब हम 3-4 विसल आने तक इसको बॉईल करके लेंगे। रगड़ा बनाने के लिए हमने पहले ड्राई पीस को सोक करके बॉईल करके लिया है। जो रगड़ा बनाने के लिए लगने वाला है वो 2 मीडियम साइज प्याज है, 2 मीडियम साइज टमाटर है, ये 5 हरी मिर्च है और 1.5 इंच का अदरक का पीस है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये 1 टीस्पून धनिया और 1/2 टीस्पून जीरा है, अखा है, ये मैं मिक्सी में उसे बारीक करने वाली हूँ, और ये कुछ धनिया पत्ती मैंने कट करके ली है। तो पहले हम इसके लिए, रगड़े के लिए जो मसाला लगने वाला है वो पहले बना लेते हैं। तो ये हरी मिर्च, अदरक मैं मिक्सी के जार में डालती हूँ और उसके साथ ही ये अखा धनिया और जीरा भी मैं इसमें ही डालती हूँ। तो पहले मैं इसको फोर्सली ग्राइंड करके लेती हूँ। हाँ, ये फ्रेंड्स, मैंने रगड़ा बनाने के लिए गैस पे कढ़ाई रखी है, गैस ऑन कर लिया है। अब हम इसमें ये ऑयल डालते हैं, 2.5 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालने वाली हूँ। अब हम ये प्याज इसमें डालेंगे, 2 प्याज हमने लिए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें हम ये जो मिक्सी में से हमने मसाला निकाला था, जीरा, धनिया और हरी मिर्च और अदरक, ये इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 मिनट के लिए प्याज और मसाले को अच्छे से भून के लिया है। अब हम ये टमाटर इसमें ऐड करेंगे। अभी टमाटर को भी थोड़ा पकने देते हैं 1-2 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने टमाटर को भी प्याज और मसाले के साथ 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम ये गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। और इसे भी 1/2 मिनट के लिए अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। हम लोगों ने मसाले को अच्छे से भून लिया है, मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू किया है, तो इसका मतलब मसाला पक चुका है। अब हम इसमें ये जो हमने पीस बॉईल किए थे वो ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा बॉईल आने देंगे। हम थोड़ा पानी इसमें और डालते हैं। नमक और हल्दी हमने पहले ही डाली है। थोड़ी धनिया की पत्ती हम इसमें ऐड करते हैं और इसे अभी बॉईल 1-2 मिनट के लिए बॉईल करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रगड़ा पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है, इसको बॉईल भी आ चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम पैटीज बनाते हैं। पैटीज बनाने के लिए हमने ये 3 मीडियम साइज आलू बॉईल करके पील करके लिए है, ये कुछ धनिया पत्ती हमने बारीक कट करके लिए है, 1 टीस्पून हमने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, ये 1 मीडियम साइज प्याज है जिसे हमने बारीक कट करके लिया है, ये हमने 5-6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं जिसे हमने मिक्सी में से उसका ब्रेड क्रम बना के लिया है,
ये ऑयल है, हमें पैटीज बनाने के लिए लगेगा। हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला लिया है, हाफ टी स्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/4 टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, ये 1/2 टी स्पून हमने जीरे का पाउडर लिया है, और नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, जो मैंने 1 टी स्पून लिया है। तो आइए पैटीज बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम पैटीज बनाने के लिए आलू को थोड़ा सा ग्रेट करके लेते हैं। पैटीज बनाना शुरू करते हैं। ये हमें एकदम थोड़ा सा ही ऑयल लेना है, इसमें हम ये प्याज डालेंगे, प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ये हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। बाकी के मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। ये गरम मसाला है, रेड चिली पाउडर है, जीरा है, ये मसाले का ही नमक हम इसमें डालेंगे, और हल्दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी मसाले भून लिए। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ, फिर मैं इसे आलू के साथ मिक्स करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ग्रेट किया हुआ आलू है, जिसमें अब हम ये ब्रेड क्रम ऐड करेंगे। ब्रेड क्रम हम ज़रूरत के अनुसार डालेंगे, पहले मैं हाफ डालती हूँ और फिर मैं बाइंड करके देखती हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो बाकी का थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। ये नमक है, ये थोड़ी हरी धनिया पत्ती है, और ये मसाला जो हमने भून के लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसकी पैटीज बनाते हैं। तो ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए आलू के साथ। अब हम पैटीज बना लेते हैं। हाथ को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, अब हम इसका पैटीज बना लेते हैं। पैटीज बनाने के लिए जिस साइज़ का आपको पैटीज बनाना है, उस साइज़ का आपको टिकिया बनानी पड़ेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी टिक्किया, सभी टिक्किया बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा सा ही कॉर्नफ्लावर का डस्टिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ उसे थोड़ा सा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी टिक्कियों को कॉर्नफ्लावर से डस्टिंग किया है, सिर्फ डस्टिंग किया है, ज़्यादा उसको लेयर नहीं दिया है कॉर्नफ्लावर का। ये देखिए एकदम छोटा सा ऐसा डस्टिंग उसको दिया है। तो अभी हम उसे फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसमें 3-4 टेबलस्पून घी डालती हूँ, ये मैंने प्योर घी डाला है, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है पैटीज का। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें ये टिकिया डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने दोनों साइड से पैटीज को अच्छे से भून लिया है, और अभी हमारे सभी पैटीज भून के तैयार हो चुके हैं। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रगड़ा और पैटीज बन के तैयार हो चुका है। इसके साथ में ये मीठी वाली इमली की चटनी है, ये मिंट चटनी है, ये सेव है, प्याज और टमाटर है। तो आइए मैं आपको मिक्स करके रगड़ा पैटीज बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे मिक्स करके रगड़ा पैटीज बनाते हैं। तो ये मैंने 2 पैटीज लिए हैं, इसके ऊपर मैं ये रगड़ा डालती हूँ। अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे। इसमें से सभी चीज़ें आप आपके चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हो, जितना आपको पसंद है उतने आपके हिसाब से आप डालिए। चटनी
ग्रीन चटनी है। Thank you.